हेलो जी नमस्कार। बॉलीवुड उर्फ रीमेक वुड के अंदर एक और रीमेक का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर है फिल्म दृश्यम 2 का ट्रेलर। दृश्यम जो कि ओरिजिनली मलयालम में बनी थी 2013 में, फिर 2015 में बॉलीवुड उसका रीमेक करता है और ये वो दौर था जब बॉलीवुड के अंदर रीमेक फिल्में बनना शुरू ही हुई थी। दृश्यम के पहले राउडी राठौर कहिए, रेडी कहिए, किक कहिए या फिर वो बॉडीगार्ड कहिए, ये कुछ ऐसी रीमेक फिल्में थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हुई। उसके बाद बॉलीवुड में भेड़ चाल शुरू हो गई, लोगों ने सोचा कि चलो यार मेहनत भी बच जाएगी, वहाँ साउथ से रेडीमेड स्टोरी ले आते हैं और उसमें हिंदी तड़का मार करके नई फिल्म के नाम से प्रस्तुत कर देते हैं। और यही वो दौर था जब साउथ के फिल्म मेकर्स को और गोल्ड माइन फिल्म्स को ये महसूस हुआ कि यार अपन दोनों तरीके से कमा सकते हैं, अपन ओरिजिनल फिल्मों के जो राइट्स हैं वो हिंदी प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टर्स को बेच करके उधर से भी कमा लेंगे और सेट मैक्स और स्टार गोल्ड पर फिल्म को डब करके इधर से भी कमा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि साउथ की जो फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर थे उनकी तो पाँचों उंगलियाँ घी में और सिर कड़ाई में हो गया। लेकिन कहते ना कि अति सर्वत्र वर्जित, हद से ज़्यादा रीमेक 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 ने कहीं ना कहीं मामला बिगाड़ दिया और एक के बाद एक हमने देखा कि बीते दिनों में काफ़ी सारी रीमेक फिल्में कब आई, कब औंधे मुँह गिर गए, जैसे कि विक्रम वेदा कहिए, लाल सिंह चड्ढा कहिए, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो गया कि भाई कब तक आप रीमेक फिल्में बनाओगे, ओरिजिनल कब बनाओगे। अब इसी दौर में अजय देवगन ने एक बड़ा रिस्क लिया जब उन्होंने दृश्यम 2 जो कि मोहनलाल जी की फिल्म है, दृश्यम 1 का जो सीक्वल था उसका रीमेक करने का डिसाइड किया। और अजय देवगन अभी एक नहीं दो तीन रीमेक पर काम कर रहे हैं, वो कैथी का भी रीमेक बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है वहाँ पर लोगों को दृश्यम के बारे में अजय देवगन वाली दृश्यम से ही पता चला, उसके बाद लोगों ने ओरिजिनल फिल्म देखी। तो कहीं ना कहीं हिंदी मार्केट के अंदर दृश्यम जो है ना, इसको आज भी लोग अजय देवगन वाली फिल्म के नाम से याद रखते हैं। और जिस तरह से जो मीम्स वगैरह हर साल हम देखते हैं, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, हम उस दिन गोवा गए थे, चिन्मयानंद जी की कथा सुनी थी, फिर पाव भाजी खाई थी, फिर हमने पिक्चर देखी थी, फिर बस में टिकट लिया था, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर 2 अक्टूबर को लोग शेयर करते हैं, ट्वीट करते हैं। तो दृश्यम अजय देवगन वाली जो है ना उसकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग है और वो लोग तो अजय देवगन को ही ओरिजिनल दृश्यम का हीरो मानते हैं, जबकि ओरिजिनली फिल्म के हीरो मोहनलाल जी हैं। उनका जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों ही ज़बरदस्त हिट हुआ है। ऐसे में यहाँ पर अजय देवगन ने ये जो रीमेक बनाया है एक रिस्क तो लिया ही है, साथ ही साथ यहाँ पर अजय देवगन ने कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है। और जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है ये ट्रेलर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि ओरिजिनल जो स्टोरी लाइन है जो कि दृश्यम पार्ट 2 की, उससे कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं समझ रहा हूँ कि कहानी मोर लेस वैसी ही होने वाली है, जो क्लाइमेक्स वाला जो ट्विस्ट है वो भी यहाँ पर वैसा ही होने वाला है, लेकिन फ़र्क बस इतना ही है कि पब्लिक यहाँ पर विजय सलगांवकर का जो किरदार है ना उससे कनेक्ट कर चुकी है, उससे जुड़ चुकी है, तो पब्लिक इस फिल्म को डेफिनेटली पसंद करेगी। और इस फिल्म में काफ़ी टाइम के बाद हमें अक्षय खन्ना भी दिखाई दे रहे हैं और अक्षय खन्ना का एक अलग ही अंदाज रहता है हर फिल्म में, तो अक्षय वर्सेस अजय की जंग हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। आई थिंक अर्ली 2000 में एक कोई पिक्चर आई थी जिसमें अक्षय खन्ना और अजय देवगन आमने सामने थे, सो आई थिंक उस फिल्म को काफ़ी सारा वक्त हो चुका है, आई थिंक 15-20 साल तो हो ही चुके होंगे, तो काफ़ी टाइम के बाद अक्षय खन्ना वर्सेस अजय देवगन एक दूसरे के आमने सामने। साथ ही साथ इस फिल्म में तब्बू भी हमें वापस से दिखाई दे रही जो कि अब तो फुल ऑन बदला लेने के मूड में है, तो क्या विजय सलगांवकर अपनी फैमिली को वापस से बचा पाएगा या फिर तब्बू अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगी या फिर अक्षय खन्ना कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर के आएंगे। अब फिल्म में क्या क्या ट्विस्ट होंगे ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन पोस्टर पर ऑलरेडी ट्विस्ट आ चुका है। 2015 का जो दृश्यम का पोस्टर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक टैगलाइन थी कि विजुअल्स कैन बी डिसेप्टिव, यानी कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक छलावा हो सकता है, झूठ हो सकता है। और ये तो आपने देखा ही था कि कैसे विजय सलगांवकर ने पूरे पुलिस के सिस्टम को वही दिखाया जो वो दिखाना चाहता था। अब यहाँ पर 2022 में पोस्टर में टैगलाइन आ चुकी है कि दुश्मन को हराने का मौका दुश्मन आपको खुद दे जाता है, तो यहाँ पर शह और मात का खेल है जिसमें नए खिलाड़ी यानी अक्षय खन्ना की एंट्री वाला ट्विस्ट आ चुका है। तो यहाँ इस शह और मात के खेल में कैसे विजय सलगांवकर वापस से पुलिस को मात देता है या मात खा जाता है, ये तो अगर आपने ओरिजिनल देखा है तो आपको पता होगा, अगर ओरिजिनल नहीं देखा है तो फिर वेट कीजिएगा बिकॉज यहाँ पर काफ़ी तगड़ा माइंड गेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज विजय सलगांवकर पुलिस से 10 कदम आगे की सोच करके पहले से ही सारी तैयारियाँ करके चलता है कि पुलिस कब कब क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पर विजय सलगांवकर यानी कि जो ओरिजिनल फिल्म के जॉर्ज कुट्टी, उनका माइंड सेट, स्पेशली जो राइटर्स, क्या सोच है यार, क्या आला दर्जे की थिंकिंग ये लोग लेकर के चलते हैं और कितना बढ़िया तरीके से ओरिजिनल वर्जन में एग्जीक्यूट किया था। आई होप कि हिंदी वर्जन में भी उतना ही बेहतर
बेहतर एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिले। अगर आपने दृश्यम 2 ओरिजिनल मलयालम वर्जन नहीं देखा है तो शायद आपको यहाँ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे वो शायद आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेंगे और यूनिक लगेंगे। बट अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है दृश्यम 1, दृश्यम 2, तो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा कि कहानी किस डायरेक्शन में आगे जाएगी, कैसे कैसे परतें खुलेंगी, कैसे कैसे ये कन्फेशन जो कि हमने ट्रेलर में देखा कि अजय देवगन बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने वो क्राइम किया, वो कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन बाद में कैसे कहानी में ट्विस्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें जो ओरिजिनल वर्जन है दृश्यम पार्ट 2 का वो मैंने देख रखा, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मेरी एक्सपेक्टेशन अजय देवगन वाला जो वर्जन है इससे बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि अजय देवगन की 2015 वाली जो दृश्यम थी ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग पिक्चर थी। उस फिल्म को देखने के बाद मुझे पता चला था कि यार एक ओरिजिनल भी है मलयालम में। तो अजय देवगन ने जो पहला जो रीमेक बनाया था दृश्यम पार्ट 1 का उसको बहुत खूबसूरती के साथ बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क लेकर के मैं चल रहा हूँ कि अजय देवगन ने जिस तरह से दृश्यम पार्ट 1 को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया। हालांकि उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे निशिकांत कामत वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभिषेक पाठक करके नए डायरेक्टर उन्होंने सेकेंड पार्ट को डायरेक्ट किया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अजय देवगन ने अपने डायरेक्शन वाले इनपुट काफ़ी ज़्यादा दिए होंगे, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी लाइन ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग थी, उसको बस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। और आपके पास रेफरेंस के लिए दृश्यम पार्ट 2 तो थी सही मलयालम वर्जन, एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पिक्चर काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके जाएगी, बिकॉज हमारी जो हिंदी ऑडियंस है वो विजय सलगांवकर से कनेक्ट कर चुकी है। तो विजय सलगांवकर कैसे अपने परिवार को दोबारा से बचाता है पुलिस के शिकंजे से, ये सारी चीज़ें देखने का इंतज़ार हिंदी ऑडियंस डेफिनेटली कर रही है। तो इसलिए मैं इस रीमेक फिल्म को बाकी रीमेक फिल्मों से थोड़ा ऊपर और थोड़ा अलग मान करके चल रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन है। तो अगर आपने दृश्यम पार्ट 2 का ट्रेलर देख लिया हिंदी वर्जन का तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, परफेक्टली एडिट किया हुआ है और जो जो उन्हें दिखाना है बस उतना ही उन्होंने दिखाया है, और अजय देवगन की इंटेंस आँखें अपने आप में काफ़ी होती हैं सारी चीज़ें बयान करने के लिए। और सामने जब अक्षय खन्ना और तब्बू जैसे दमदार अदाकार हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अमेजिंग माइंड गेम या फिर जो एक्टिंग का जो जौहर होता है वो हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस फिल्म से आपकी क्या है एक्सपेक्टेशन ये भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।